नमस्कार, आप देख रहे हैं देश डी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कांग्रेस कार्यालय में पिछले 3 घंटे से जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो ये डोर देख रहे हैं, इसी के अंदर महिला कांग्रेस की बैठक चल रही है। राष्ट्रीय महासचिव नेता डिसूजा पहुंची हुई हैं, प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह हैं अंदर में, और देखिए यहाँ से 10 फीट की दूरी है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा राष्ट्रीय महासचिव नेता डिसूजा से तो उनका जवाब था कि हमें आंदोलन की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। जबकि तेज़ बारिश में यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, जो महिला अभ्यर्थी है, वो भी तेज़ बारिश में भींग रही थी, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा। और जवाब में क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह और राष्ट्रीय महासचिव नेता डिसूजा कह रही हैं, सुन। 20 फीट की दूरी पर महिलाएं बैठकर आंदोलन कर रही थी, तेज बारिश, 2 घंटे की तेज बारिश में वो बैठी कांप रही हैं, लेकिन आप लोगों की का जो बैठक चला इसमें से एक महिला भी उठकर उनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंची। कौन सी मीटिंग उसके बारे में हम लोग को नहीं पता है मैम। आंदोलन की आवाज आप तक जरूर पहुँच रही होगी क्योंकि काफी तेज आंदोलन हो रहा था बुलंदाबाद में। नहीं, आप ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हमारा दरवाज़ा बंद है, आपको कोई आवाज़ अंदर नहीं आएगी। जब नहीं, तभी भी बंद थी दरवाज़ा, और जब एक अनुशासन से मीटिंग चल रहा है तो हम इस मीटिंग के लिए यहाँ पे एक डिस्कशन, किस चीज के आंदोलन नहीं हमें नहीं पता नहीं नहीं ये हमें नहीं। अगर 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 उनमें से एक भी महिला आके हमें अपनी बात रखती। नहीं 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 नहीं, मैं आपको मैं क्लियर आपको करती हूँ। जब रूम हम लोग यहाँ पे बंद करके बैठक कर रहे हैं तो कार्यकारिणी की जो कार्यकर्ताएं हैं, जो पदाधिकारी, वो अपनी अपनी बात रख रही हैं, तो उसमें आवाज़ अगर यहाँ आती तो ज़रूर मैं खुद उठकर या मेरी कोई पदाधिकारी उठकर वहाँ पर जाती। और आपको पता है कि झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा रही है, चाहे वो सेविका की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं की बात हो, या हमारे सरकार में भी अगर किसी महिला के साथ कुछ उस तरह का गलत होता है तो उसके साथ भी हम लोग हमेशा खड़ा रहे हैं। इसकी हमें भनक तक नहीं है और ना किसी ने हमें अंदर रिपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, जब हमारे घर पे आए हैं तो हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान निकालना है। प्रियंका जी हैं, जेएसएससी अभ्यर्थी हैं। देखिए यहाँ से इस डोर की अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस तो मात्र 10 फीट होगी। आप लोगों की आंदोलन जो है वो पिछले 3 घंटे से चल रहा है, तेज बारिश में आप भींग रही थी, महिला विंग की बैठक चल रही है अंदर में, लेकिन वो कहती हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, आवाज़ नहीं पहुंची है उनका। उन्हें अपना कांग्रेस पार्टी जो भी है उनका कार्य करने में ज़्यादा दिलचस्पी है, हम लोगों में क्या दिलचस्पी होगी, हम लोग तो जेएसएससी के अभ्यर्थी है, हमारा रिजल्ट आए ना आए उनसे इन लोगों को क्या मतलब है, ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं बस और क्या। बिल्कुल आप कह रही हैं राजनीति कर रहे हैं और क्या। आप सोच सकते हैं यहाँ से अगर मैं इस यहाँ से आप एरिया देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा डोर का वो मात्र 10 फीट से भी कम होगा, और साफ कह रही हैं कि इन्हें आवाज़ नहीं पहुँची है और यही वजह है कि वो मिलने नहीं पहुँची। और जो अभ्यर्थी हैं वो कह रही हैं कि इन्हें बस अपना नेतागिरी से मतलब है, नेतागिरी करने से मतलब है, राजनीति से मतलब है, अभ्यर्थियों की परेशानी से कोई मतलब नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टीवी।